गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मेरा पूरा डे प्लान्ड है। मेरा प्लान है लंच बनाने का, जो कि मैं चाइनीज लंच बनाऊंगी। और मैं आपको बहुत टाइम से दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्मल चाइनीज लंच जो है मैं कैसे बनाती हूँ ओडिन के लिए, मेरे लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, लाइक काइंड ऑफ वेजिटेरियन बोल सकते हो आप। आज एक तो हम टेस्ट कराने जाएंगे क्योंकि हमारे नेबरहुड में एक नया केस निकल गया है। उसके बाद हम पूरा दिन घर में ही स्पेंड करेंगे क्योंकि इतनी गर्मी हो गई ना यहाँ पे, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर है। फिर डिनर में आजकल क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, हम कोल्ड नूडल्स खाते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। वो ओडिन बहुत अच्छा बनाता है क्योंकि ओडिन में अपने पापा के गुण आए हैं। कोल्ड नूडल्स बेसिकली एक कोरियन डिश मानी जाती है, बट क्योंकि वो लोग कोरिया से एकदम चिपके हुए हैं, उनका जो होम टाउन है, बहुत सारी चीजें बहुत सिमिलर है हमारे और उनके कल्चर में, खाने में, इवन लाइक किमची एंड ऑल वहाँ पे घर पे बनाई जाती है, जो हमारा होम टाउन है यहाँ पे। चलो अभी हम दिन की शुरुआत करते हैं। और पता है, हम लोग ना इसी रूम में जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहीं पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एसी लगा है हर जगह पे, बेसमेंट पे भी है। बट ये घर इतना बड़ा है ना, अगर हमने ये यूज किया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट से भी ज्यादा हो जाएगा। नीचे का फ्लोर थैंकफुली थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी जो किचन वाला फ्लोर है तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो हम राइस ले लेते हैं। तो पानी लगभग सही है अब इसमें। तो ये भिंडी ना थोड़ी पुरानी हो गई है, आई थिंक इट इज एडिबल, थोड़ी काली पड़ गई है। तो यानी चाइनीज कुकिंग में इतनी छोटी जो वेजिटेबल है वो आपको बड़ी बड़ी ही काटनी है क्योंकि इसका शेप काफी अच्छा है। ये हो गई, देखो आप। तो हमने दो डिशेस बना रहे हैं, एक तो एग और टमेटोज वाली जो कि चाइना में बहुत कॉमन है, हर इंसान ने खाई हुई है, और दूसरी है भिंडी वाली जो कि बहुत अनकॉमन है, मैंने कभी रेस्टोरेंट्स में नहीं देखी, किसी के घर नहीं देखी, बट मैंने ओडिन की चाची को बनाते हुए देख लिया था उन्हीं के घर पे जब हम गए थे। मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है। पानी बॉइल हो गया है, अब मैं भिंडी को इसमें डाल दूंगी। तो इसको अच्छे से डुबा देती हूँ मैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे करते हैं सब कुछ, तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ काफी। हम यहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी भर रहे हैं, इसको यहाँ साइड में रख देते हैं, इसमें भिंडी डाल देंगे हम बाद में। देखो आप, जो भिंडी में चिपचिपापन होता है ना वो निकल के आ रहा है। अंडे वाली डिश की तैयारी कर लेते हैं। दो अंडे निकाल रही हूँ, मेरे ख्याल से भिंडी हो गई है, बंद कर रही हूँ गैस। अब हम इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे, फेंट लेंगे दो अंडों को, एकदम फ्रेश अंडे है ये, ओडिन कल ही लाया था। चलो एक पैन गरम कर लेते हैं। अभी तेल काफी गरम हो गया, बहुत गरम हो गया, तो हम इसमें सीधा ये पूरा अंडा डाल देंगे। नमक वमक कुछ नहीं डालना, सिर्फ अंडा होना चाहिए। ये देखो आप कितना मोटा है, ये काफी तेल है इसमें, नीचे बिल्कुल चिपका नहीं उस वजह से। देखो मैंने सारे काट दिए गाइस बड़े बड़े पीसेस में। अब मैं इसको डाल दूंगी एक कटोरी में। तो गाइज अब हम ना सारी सामग्री काट के रख देंगे, जो भी लगने वाला है अभी हमारी दोनों रेसिपीज में, जो कि हम फाइनलाइज करने वाले हैं। तो इसको टमाटर को ना हम कैसे काटेंगे, लंबे लंबे स्लाइसेस करेंगे इसके, नॉट टू थिन, आई थिंक इट्स इनफ। और थोड़ा सा लहसुन काट लेंगे, ज्यादा बारीक नहीं काटना है। तो हम एक प्याज काटेंगे, पतला पतला स्लाइस करना है जिससे कि वो ब्राउन हो जाए। ये देखो मैंने कितने पतले स्लाइसेस किए हैं। तो पहले ना हम टमाटर वाली डिश बना लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गरम होने देंगे। हमारे गार्डन में स्प्रिंग अनियंस भी है तो मैं तोड़ के ले आई हूँ। ये जो व्हाइट पार्ट है उसको हम पहले तेल में डालेंगे और ग्रीन पार्ट को लास्ट में डालेंगे। तो बेसिकली मैंने स्प्रिंग अनियंस भी काट ली है यहाँ पे, देखो आप। अब मैं थोड़े से प्याज डालूंगी एकदम गरम तेल में।
देखो थोड़ा ब्राउन हो गया ये। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये जो ग्रीन वाले हैं मैं भूल गई, सॉरी। ये देखो थोड़ा सा नमक ले रही हूं मैं, और थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी मैं। तो मैंने एकदम फ्लेम फुल पे कर दी है। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियंस डालेंगे। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है ना कलर कॉम्बिनेशन। और ये जो अंडा है हमारा वो भी डाल देंगे अभी। देखो आप अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्का सा पानी डाल के मैं रख दूंगी कवर। देखो मुझे कितना पसीना आ गया यहाँ। मैंने फैन लगा के रखा है यहाँ पे। कुकिंग की हीट होती है उससे और ही गर्मी बढ़ जाती है किचन में। बिल्कुल भी अंडे की स्मेल नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अंडे की स्मेल। ओडिन को भी नहीं पसंद है। ये देखो टमाटर हल्के से गले हैं, ज्यादा नहीं गलाना है, उनकी शेप जो है वो रहनी चाहिए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। एकदम लिपट गया है अंडे में यूरी। ये रही हमारी सिंपल चाइनीज कॉमन वाली जो सब्जी है, लाइक जो स्टर फ्राई है वो टमाटर और अंडे वाला। अब हम ना बनाएंगे भिंडी वाली डिश। इसमें तेल डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही लिया इस बार मैंने। अब ना हम इसमें डालेंगे सेशुआन ग्रीन पेपर। ग्रीन का टेस्ट सोडियम को बहुत पसंद है। फिर हम इसको निकाल देंगे तेल में से। ये देखो तेल गर्म हो चुका है। वाओ क्या खुशबू आ रही है। अब देखो इसमें फ्लेवर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब हम डालेंगे लहसुन। ज्यादा नहीं पकाना, इसको ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी। अब हम इसमें थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। पाउडर मत डालिए, फ्रेश रेड चिलीज है तो उसको काट के भी डाल सकते हो। मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और पानी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसमी ऑयल नाम का। देखो मैंने ये भिंडी यहाँ पे रख ली है अच्छे से। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे डाल दूंगी। इसके बहुत सारे वेरिएशंस है मेरे ख्याल से, बट घर पे आप ऐसे बना सकते हो सिंपली। और ऊपर से हम डाल देंगे ये धनिया, बड़ा बड़ा काटते हैं यहाँ पे। आई थिंक ओडियन विल लव इट। तो भिंडी शुड नॉट बी कम्प्लीटली कवर्ड इन स्पाइसेस और सॉस। तो यहाँ पे ऐसा ही है, यू कैन चूज टू डिप इट इन द सॉस इफ यू वॉन्ट। इफ यू डोंट वॉन्ट यू कैन जस्ट ईट इट लाइक दिस। एक्चुअली जो ये डिश है ना, आया मैं एक इंग्रेडिएंट भूल गई, वो है व्हाइट पेपर का। तो मैं अभी डाल रही हूँ उसको और मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ब्लैक पेपर नहीं डलता चाइनीज कुकिंग में, व्हाइट पेपर ही डलता है हमेशा। देखेंगे राइस का क्या हाल हो रहा है। राइस एकदम अच्छे से हो गया है, देखो आप परफेक्ट। तो गाइस देखो ये है सिंपल चाइनीज वेजिटेरियन काइंड ऑफ वेजिटेरियन लंच और बहुत हेल्दी है। तो ओडिन को ना ये टमाटर का छिलका निकालने की आदत है हमेशा, और ये जो भिंडी की डिश है उसने पहले कभी नहीं खाई थी। इनफैक्ट उसने भिंडी ही पहले कभी नहीं खाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने जब ये डिश बनाई उसको इतनी पसंद आई उसने पूरी ख़त्म कर दी। तो तब से मैं रेगुलरली बनाती हूँ ये भिंडी वाली डिश। और ये जो टमाटर की डिश है इट्स लाइक एन इक्विवेलेंट ऑफ जो दाल रोटी होती है इंडिया में, वो तो एकदम ही आम चीज़ है। ये सिंपल स्वीट एंड सावर टेस्ट होता है। और इस डिश के अलावा मैंने टमाटर यूज़ होता कहीं पर भी नहीं देखा है चाइनीज़ कुकिंग में। जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइज हमने लगभग ख़त्म कर दिया है ये। बहुत दिनों से मुझे एक पार्सल मिलने वाला था जिसका मैं वेट कर रही थी। एक टेरिब्लिक नाम की कंपनी है जिन्होंने मुझे लग्जरी बैग भेजा है, वो आज ही आया है और मैंने अभी तक खोला नहीं है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, यानी आज ही मैं व्लॉग शूट करने वाली थी और आज ही बैग आ गया। तो गाइज मुझे पता है ये मेरा बैग है वो है, क्योंकि एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड। ओ माय गॉड यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है मैं क्या बताऊँ आप। पहले हम एक नींबू पानी बना लेते हैं। ये ना लेमन जूस मैंने इंडियन शॉप से लिया था। मिंट लीव्स डाल देंगे। ये देखो कितना अच्छी पैकेजिंग में आया है और बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। यूएस से आया है ये बैग। आई डिडंट बिलीव इट एक्चुअली व्हेन दे वर गोइंग टू सेंड इट। ये देखो गाइस
इन्होंने एक डस्ट बैग के साथ बैग दिया है। ये एकदम लग्जरी होने की निशानी है, सॉफ्ट इतना अच्छे क्वालिटी का। तो इसको मैं खोल दूंगी यहाँ से। देखो गाइस, आपके लिए एकदम अनबॉक्सिंग वीडियो जैसा होता जा रहा है ये। इसका मैंने कलर चूज किया था, दे गिव मी अ चॉइस। इसमें इतने सारे कलर्स थे, लाइक व्हाइट, ब्लू, रेड, पता नहीं कौन कौन से। ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि किसी भी कलर के कपड़ों के साथ जाता है, एंड इट्स लाइक एवरग्रीन। तो मैंने देखो ये कैमल, इसका नाम है किम्स टेम्पानो, और ये कैमल में मैंने चूज किया है। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ कितनी जगह है इसमें। स्टफिंग है इसके साथ, ये बेल्ट भी आया है, यानी इसको अगर लंबा करना है तो। और ये देखो इसके नीचे भी ये लगे हुए हैं ताकि अगर ऐसे रख दो तो गिरता नहीं है बिल्कुल। लग्जरी बैग्स, व्हाई दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग है आप देखो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी कहीं मिस्टेक नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग, और इसमें अंदर वेलवेटी सा टच है। तो चलो ये मेरा पहला लग्जरी बैग, वो भी गिफ्ट के तौर पे। तो लाइक मुझे बर्थडे का गिफ्ट नहीं मिला, बट बर्थडे के कुछ दिन बाद मुझे गिफ्ट मिल गया। इसकी मैं टैग्स हटा रही हूँ। तो गाइस कैसा लग रहा है? लग रहा है क्या लग्जरी बैग? ये पूरा 100% मेड इन इटली बैग है। तो जो इटालियन वर्कर्स दूसरे जो एक्सपेंसिव इटालियन बैग्स बनाते हैं वो ही ये भी बना रहे हैं। बट तो जो एक्सपेंसिव बैग्स होते हैं हजारों डॉलर्स के, दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड एज वेल। टेडी ब्लेक यूजेस द सेम लेदर, दे यूज द सेम क्राफ्ट्समैन, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है ये लग्जूरियस बैग्स बनाने का इटली में। दे यूज दोज पीपल टू मेक दीज बैग्स, दे आर एट पार। देखो आप, यू कैन जस्ट फील इट, इतना परफेक्ट है ये। एंड आई एम लाइक सो हैप्पी। प्लीज स्टडी ब्लिक, प्लीज सेंड मी सम मोर बैग्स माई नेक्स्ट बर्थडे ऑल्सो। आई एम नॉट अ पर्सन जो की बहुत इन्वेस्ट करता है फैशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने पैसे में तो यानी कुछ और मिल जाएगा मुझे, घर का कुछ फर्नीचर, खाना पीना, यू नो। बट लाइक दिस बैग, लुक एट दिस बैग, आई डोंट ओन एनी थिंग सो इलीट, सो नाइस। एक भी इम्परफेक्शन नहीं है इस पूरे बैग में। देखो आप, एक जब मुझे उनका ईमेल आया टेडी ब्लेक से, दे डिडंट आस्क मी टू से एनीथिंग अबाउट देम। दे आर लाइक, ओके वी आर सेंडिंग यू दिस बैग, इफ यू वांट यू कैन शो इट। आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। मैंने उनकी वेबसाइट चेकआउट की, ऑल द बैग्स वर नाइस, मैंने रिव्यूज चेक किए, सब अच्छे हैं टेडी ब्लेक के। तो आई एम लाइक या श्योर, इतने अच्छे गिफ्ट को ना कौन बोलता है। तो ये अब से मेरा साथी है, जहां पे भी मैं जाऊंगी यही लेके जाऊंगी। आई डोंट ओन एनी अदर बैग। मुझे एक आध बैग कोई गिफ्ट में मिला था या ओडे ने भी लिया था, वो फट चुका है बुरी तरह से। वही फर्क है ऐसे बैग्स में और जो आप दुकान पे लेते हो उन बैग्स में। दिस शुड ask you like for years। डॉगी अब बस हमारे गार्डन में आके पूप करता है और फिर चला जाता है। हमारे एरिया में केस निकल गया है, हमको जाना पड़ रहा है टेस्ट कराने के लिए। और आज ना शंघाई का हॉट टेस्ट डे है। मैंने चेक किया, हिस्टोरिकली शंघाई में 39.9 हाईएस्ट टेम्परेचर था और आज 41 है। तो आज लाइक शंघाई का हॉट टेस्ट डे है। काफी सारे लोग पहुंच गए टेस्ट कराने के लिए। ये देखो इवान और ओडिन। मैं ये N95 मास्क पहन रही हूँ। इवान, आर यू हैप्पी? एवरीवन इज हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। इवान को तो बस बाहर निकाल दो, डजंट मैटर हीट वेव चल रही हो, लेकिन इवान को बस बाहर निकलना है। दिन ने वो शर्ट पहन के रखा है जो मेरा भाई इसके लिए लाया था जब वो इंडिया से शंघाई आया था ना। तो आई एम सो हैप्पी कि उसको ये शर्ट पसंद है। शाम का टाइम हो गया है और हम कोल्ड नूडल बना रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना गाइस। ये देखो यहाँ पे इसने अभी तड़का जैसा बनाया है। ये ऑयल हम कोल्ड नूडल बनने के बाद उसके ऊपर डालेंगे तो यानी बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और ये हमने कोल्ड नूडल जो पैकेट में आते हैं एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसको हम पानी में डाल के रखते हैं तो वो खुल जाते हैं, पकाने के टाइम चिपकते नहीं है। और यहाँ पे हम पानी गर्म कर रहे हैं कोल्ड नूडल के लिए। हम पहले उसको पकाएंगे फिर ठंडे पानी में डालेंगे। यहाँ पे हमने टमाटर और धनिया काट के रख दिया है। और ये आ गई हमारी किमची। किमची को पतले पतले स्लाइसेस में काट दे रहे हैं रफली। तो देखो कैसे खुल गए हैं नूडल्स, हमने खोल दिए इनको।
तो ये जो हमने बनाया था ना, बस उसमें चिली ऑयल है, सेसमी सीड्स है और शुगर है। ये देखो कैसे सिवैयों के जैसे लग रहा है, इसको कंटिन्यूसली हिलाना पड़ता है नहीं तो चिपक जाते हैं। अब इसको भी हमने साथ में रख दिया है। देखो आप, ये चार इंग्रेडिएंट्स बहुत ही जरूरी है, टमाटर, खीरा, धनिया और किमची। ये तो पक गए हैं मुझे लगता है। अब इससे गैस को हटा दिए, इसको ठंडा कर रहे हैं हम। तो ये एकदम ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको छान दें। ये देखो सब कुछ इसमें डाल दिया है हमने, अब इसमें तेल डाल रहे हैं। देखो कितने सुंदर कलर्स आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, नहीं ये एक्चुअली ये कोई टाइप का विनेगर है, बहुत ठटठटा है। और ये हमारा कोल्ड नूडल का पानी। वाव, मुझे भूख लग रही है इसको देख के, अभी बहुत भूख लग रही है। देखो बर्फ, ये इसको ठंडा रखेगी अच्छे से। वेजिटेरियन है आप देख सकते हो, हम तो मोस्टली वेजिटेरियन ही बनाते हैं ये वाला। इसमें आप चाहो तो अंडा या वो भी डाल सकते हो, मीट।